बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक बहाली जो हुई है, वन रिजल्ट वन जॉब के तहत ही पोस्टिंग, वेटिंग लिस्ट वालों के लिए अब जो है खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। सेकेंड मेरिट लिस्ट अब ज़्यादा सीट हो पाएगी, वो कैसे फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में पूरा ए टू जेड जानकारी के साथ देने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और हाँ, ये न्यूज़ जो है मैं पहले ही दे दिया था, ठीक है ना, सुबह सुबह ही दे दिया था कि ऐसा सुनने में आ रहा है, और वही शाम के वक्त में जो है ऐसा न्यूज़ में निकल के सामने आ भी गया। इसके ऊपर मैं पूरा एक्सप्लेन के साथ देखने वाले हैं क्या कुछ मामला है, सेकेंड मेरिट लिस्ट में कितना फ़ायदा है, कितना ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, सभी जानकारी। इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो नियोजित शिक्षक थे, ठीक है ना, नियोजित शिक्षक थे, वे अपना मूल प्रमाण पत्र लेने जा रहे हैं, तो उनको मूल प्रमाण पत्र तभी मिलेगा जब वो स्कूल, पहले जो स्कूल में जॉब कर रहे हैं वहाँ से त्याग पत्र देंगे, ठीक है ना, मतलब NOC लेंगे तभी। क्योंकि मैं ऐसा जो है पहले ही बता दिया था, देखिए यहाँ पर जो स्कूल आमंत्रण हुए हैं उसके बाद जो मूल नियुक्ति पत्र जो लेने जा रहे हैं उनको NOC लग रहा है। ये चीज़ मैं आपको सुबह सुबह वीडियो भी बना दिया था, यही वीडियो का ये थंबनेल है, ठीक है ना, इसके ऊपर में हमें ऑलरेडी बना दिया था। अभी जो है साफ तौर पर क्लियर हो गया है कि जो भी नियोजित शिक्षक है, जो अभी BPSC द्वारा क्वालिफाइड किए हैं, उसको स्कूल आमंत्रण कर दिया गया है, वे जब यहाँ ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो पहले जहाँ जॉब करते थे उसको रिजाइन मारिए, उसको पहले रिजाइन मार के आइए। इस कंडीशन में फ्रेंड्स बहुत सारे टीचरों जो है कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम अपना होम डिस्ट्रिक्ट जो है छोड़कर, जो मेरा इस घर के बगल में स्कूल है, इसको छोड़कर हम अदर मतलब डिस्ट्रिक्ट में जाए, ठीक है ना, या 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जाए, क्योंकि जिनको घर के बगल में ही स्कूल है वो कभी नहीं चाहेगा क्योंकि यहाँ छोड़े। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूँ कि जो ऐसा जितने भी टीचर है, ठीक है ना, उनको ऑलरेडी राजकर्मी का दर्जा मिलने ही वाले हैं, अगस्त में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होगी, उसके द्वारा मिल जाएगी। तो यहाँ पर जितने भी नियोजित शिक्षक है ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि हम अपना डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के, जो घर के बगल में स्कूल है छोड़ के, यह ज्वाइन कर ले, क्योंकि दोनों का वेतन सेम ही रहना है। आज ना कल जो है एक महीना दो महीना भले ही लेट हो रहा है, बट नियोजित शिक्षकों के जो है राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगी। हाँ, जो दूर में है और जिनको होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया है, ऐसा कुछ हो गया है, बगल में पास मिल गया है, या जो छठे चरण के थे उनको कम सैलरी है, या बहुत सारे मैटर है, बहुत कम ही शिक्षक होंगे जो ज्वाइन करना चाहेंगे, लेकिन आधा से अधिक शिक्षक जो है ज्वाइन करना नहीं चाहेंगे। शिक्षकों की ज्वाइनिंग को लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है, BPSC की ओर से चुने शिक्षकों पर लागू किया गया है। नौकरी कर रहे लोगों के लिए आदेश है कि त्याग पत्र के बाद ही आप सभी को होगी ज्वाइनिंग, ठीक है ना, वन रिजल्ट वन जॉब के तहत ही पोस्टिंग होनी है। और सभी BO और HM को दिया गया है आदेश कि आप पहले उसे त्याग पत्र मांगिए, NOC मांगिए, तभी आप जो है यहाँ पर मूल नियुक्ति पत्र दीजिए। तो इस कंडीशन में सेकेंड मेरिट लिस्ट वालों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। उन लोगों का अब ज़्यादा मात्रा पर, ज़्यादा सीटों पर जो है सीटों की संख्या कहीं ना कहीं बढ़ गई है, अब ठीक है ना, इन लोगों का जो है सीटों की संख्या कहीं ना कहीं बढ़ गई है, और उस पर जो है आप लोगों का सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगा। आई होप कि आपका जो है कटअप थोड़ा एक दो नंबर तीन नंबर नीचे जा सकती है। जितने भी परेशान हो रहे हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट रिगार्डिंग, आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर वक्त आपको पल पल की खबर मिलती रहती है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।